बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जी तो व्यूअर्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह के एम प्लेयर को डाउनलोड करते हैं और किस तरह इसको इंस्टॉल करते हैं। चले तो सबसे पहले अपने सिस्टम का ब्राउज़र ओपन कर लें और ब्राउज़र ऑन करने के बाद आप यहां पर वेबसाइट देंगे। तो मैं आपको बता देता हूं, आप यहां पर देंगे softpedia.com। इससे हर सॉफ्टवेयर आपको आसानी से मिल जाएगी। अब यहां पर एक सर्च है, यहां पर मैं लिख लूँगा के एम प्लेयर और सर्च कर दूंगा। यहां पर विंडोज़ ऐप ही सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर को प्रेस कर देंगे। जी तो अभी आप देख सकते हैं मेरे पास गेम प्लेयर आ चुका है, गेम प्लेयर 4.2.2.32। तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और इसके अंदर यहां पर लिखा होगा डाउनलोड नाउ, इस पर भी मैं क्लिक कर दूंगा। अब यहां पर मुझे दो ऑप्शन दे रहे हैं कि आपको x64 के लिए चाहिए या xGNC के लिए। तो मेरे पास xGNC सिस्टम है तो मैं xGNC क्लिक करूंगा। अब यहां पर अगर डाउनलोड ख़ुद स्टार्ट ना हो तो आप क्लिक टू स्टार्ट इट डाउनलोड मैनुअली भी कर सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास डाउनलोड ऑप्शन आ चुका है। इस वक्त मेरे पास तो ऑलरेडी मौजूद है, तो चलो मैं भी एक दफ़ा फिर डाउनलोड कर देता हूँ। यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस जगह पर आपको मतलब ये इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करना है। और अगर आप चाहते हैं कि हमेशा यहाँ पर ही डाउनलोड हो तो आप रिमेंबर भी क्लिक कर सकते हैं। तो हमारे पास ये डाउनलोड हो चुका है, अब हमें को इंस्टॉल करते हैं। अब यहाँ पर कहते हैं कि कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, तो हम ऑटोमेटिक इंग्लिश ही सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, फिर नेक्स्ट पर, फिर नेक्स्ट। और यहाँ पर आप दे सकते हैं कि किस फोल्डर में आपको इंस्टॉल करना है। तो ऑटोमेटिकली ये सी पर ही जाता है, आप ब्राउज़ करके किसी और पार्टीशन में भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल शुरू हो जाएगा। आपके पास अगर नेट अवेलेबल है तो आपको ये माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ भी इंस्टॉल करके देगा। तो मेरे पास तो मौजूद है, कोई बात नहीं, अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास ये ऑप्शन ही नहीं आएगा। तो ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। और अभी आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं गेम प्लेयर का लोगो आ चुका है, मतलब गेम प्लेयर हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है।
जी, तो अब ये हमसे कह रहे हैं कि आप एंटीवायरस इंस्टॉल करना चाहते हैं या नहीं। तो अगर चाहते हैं तो एक्सेप्ट कर लें, और नहीं चाहते तो डिक्लाइन कर लें। इसका कैम्प प्लेयर से कोई ताल्लुक नहीं है, ये नेट की मौजूदगी में हर दफ़ा आ जाता है। तब हमारे पास ये फिनिश और रन कैम्प प्लेयर। आप इसको डोंट शो पर क्लिक करेंगे तो बस ये पेयर वापस नहीं आएगा। ये इस क्लिक कर ले और यहाँ पर आप सेलेक्ट कर ले जिन जिन को आप चाहते हैं कि कैम प्लेयर पर ओपन हो। तो मैंने तो सेलेक्ट ऑल कर दिए है, मैं चाहता हूँ कि हर फाइल कैम प्लेयर पर ही ओपन हो। तो चलिए मैं आपको इस पर कुछ दिखा देता हूँ कि कैसे इस पर वर्क करता है। अस्सलाम वालेकुम, आज हम बहुत ही मज़े के बहुत ही क्रिस्पी पोटैटो रिंग बना रहे हैं, जो हम किसी भी वक्त बना सकते हैं। इसको हम अफ्तारी में भी बना सकते हैं, या कोई मेहमान वगैरह आ रहे हो तो उनके लिए ये बना सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी पोटैटो रिंग बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। सबसे पहले हमने 3 अदद आलू लिए, जिनको मैंने बॉईल करके फ्रीजर में रख दिया था ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएं। अब हम इनको कद्दूकस करेंगे। आप मैश भी कर सकते हैं, इनको बहुत ही अच्छे से कद्दूकस करना है। जी, तो अब इसके जो मजीद फंक्शन है मैं उसे भी थोड़ा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। ये इसमें एक इक्विलाइजर है, आपको जिस किस्म का इक्विलाइजर चाहिए हो तो आप यहां से सेलेक्ट भी कर सकते हैं और अपना भी मतलब बना सकते हैं। तो मेरे पास तो लैपटॉप है, लैपटॉप सेलेक्ट कर लिया। बाकी इसमें आप वीडियो की स्पीड भी तेज़ कर सकते हैं, स्लो भी कर सकते हैं। इस ऑप्शन की मदद से आप सबटाइटल को बंद भी कर सकते हैं। और ये मेन मेन्यू है, इसमें सबसे पहले तो आप ओपन सिमिलर फाइल को ओपन ऑल फाइल इन फोल्डर पर क्लिक कर दे। इससे आपको आसानी होगी, जो फाइल आप फोल्डर में खोलना चाहते हैं तो आप इससे डायरेक्ट नेक्स्ट और प्रीवियस पर भी जा सकते हैं। बाकी इसमें और सब ऑप्शन भी हैं, लेकिन वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है फ़िलहाल। जी तो व्यूअर्स, आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।